नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। क्योंझर के पूर्वांचल स्थित गांवों में बिजली, नहर, पुलिया जैसी अनेक मूलभूत समस्याओं की मांगों को लेकर पूर्वांचल युवा मित्र मंडल द्वारा 25 नवंबर 2020 बसहट पंचायत में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्वांचल मित्र मंडल ने सभी दल के नेताओं, सामाजिक संगठनों एवं आम जनता को आमंत्रित किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा क्षेत्र के सांसद जनार्दन मिश्रा एवं विधायक श्यामलाल द्विवेदी ही नदारद रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में त्योंथर जनपद पंचायत की अध्यक्षा गीता मांझी उपस्थित रहकर जनहितैषी मांगों को न सिर्फ सुना बल्कि उन्हें पूरा करने में हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम के संचालन में पूर्वांचल युवा मित्र मंडल के अध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा ने बताया कि हमने बड़े ही भावपूर्वक अपने जनप्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम में उपस्थिति हेतु आमंत्रण पत्र दिया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर हमें अपने समय अनुसार निर्धारित दिन बताया भी था। आज हम उन्हीं के बताए दिन के अनुसार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, परंतु वो नहीं आए। ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको हमने बड़े ही भरोसे के साथ दिल्ली, भोपाल जैसी जगहों में भेजकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए भेजा था, वही जनता द्वारा जनता के इस कार्यक्रम में अनुपस्थित होकर कहीं न कहीं यह एहसास दिला रहे हैं कि जनता ने इन्हें वोट देकर बहुत ही गलत किया है। जब उन्हें हमारी समस्या ही नहीं सुननी है, हमारी समस्या का निवारण ही नहीं करना है, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों का हमारे क्षेत्र में रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष गीता मांझी ने संसद और विधायक पर निशाना साधते हुए बताया कि जब हमें अपने जनप्रतिनिधियों की जरूरत होती है, तब हमारे जनप्रतिनिधि हमसे दूर भाग रहे हैं। त्योंथर से आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। पूर्वांचल युवा मित्र मंडल द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सांसद एवं विधायक जी को आमंत्रित किया गया था, उस विषय में आपका क्या कहना है? उनकी अनुपस्थिति थी कार्यक्रम में। देखिए, उनका निजी मैटर है कि उनको आना चाहिए था। आज क्षेत्र की जनता उनको इंतजार कर रही थी, क्योंकि कोई पर्सनल काम के लिए मित्र मंडल ने नहीं यहाँ पे बुलाया था। क्षेत्र की समस्याएं थी जो सुनने के लिए उन्हें, उनके माध्यम से क्षेत्र का समस्याओं का निदान हो सके, उनको बुलाए थे। लेकिन वो समय देने के बाद भी नहीं आए, तो क्यों नहीं आए वो वही बता सकते हैं। इसमें मैं उनके बारे में क्या बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे बुलाया गया, मैं तो आई। समस्याएं जो थी उनका निदान नहीं हो सका, क्योंकि वो जवाब भी वही दे सकते थे, और इस कारण से हताश होकर क्षेत्र की जनता लौट गई, तो ये सही नहीं हुआ। कार्यक्रम में बहुत से वक्ताओं ने आज आपके जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत सड़क, बिजली जैसी समस्याओं को कार्यक्रम में रखा, इस विषय में आपका क्या कहना है? जो हमारे पंचायत स्तर तक है, जो हमारे सरपंच लेवल तक का है, वो मैं देखती हूँ। बाकी जो बड़े काम है तो सांसद और विधायक ही देख सकते हैं, उसमें मैं क्या कह सकती हूँ। आगे युवा मित्र मंडल की जो मांगे हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या आप सहमत हैं इनके मांगों से? बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, निश्चित तौर पे बहुत ही जरूरी है। जो भी मांग रखी गई है, चाहे वो नहर का हो, चाहे विद्यालय का हो, ये जो भी है बहुत जरूरी है क्षेत्र के विकास के लिए और लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसमें मैं सहमत हूँ, और आगे भी जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी, मैं इनके साथ चलने के लिए जहाँ भी कहेंगे मैं तैयार। पूर्वांचल युवा मित्र मंडल के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों दल के नेताओं को आमंत्रित किया गया था, इसमें इस विषय में आपका क्या विचार है? कार्यक्रम युवा मंडल का बिना दल के लोगों का था, निर्दलीय था, और उसमें सबको जो आमंत्रित थे उनको आश्वासन दिया था आना चाहिए था, नहीं आए वो कचरे कारण से वही बता सकते हैं क्या कर रहा है। लेकिन हमारी समझ तो अच्छा नहीं हुआ, नहीं आए, अच्छा नहीं किया। आज युवा मित्र मंडल द्वारा बहुत सी समस्याओं को लेकर अपने वक्तव्य में बताया गया कि ये क्षेत्र की समस्याएं हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? जो युवा मंडल ने समस्याएं रखी हैं, वास्तव में ये समस्याएं आज से नहीं, बहुत पहले से हैं, और उसके निदान के प्रयास के लिए इन्होंने जो प्रयास किया, निश्चित से सराहनीय रहा है। मैं तो कहना चाहूँगा कि ये निरंतर प्रयास में लगे रहें, सफलता एक दिन मिलेगी। लेकिन कर्तव्य बनता है, विधायक हो, सांसद हो, उनका कर्तव्य बनता है कि जनता की सुने। आप सुबह से इंतजार कर रहे हो, आप जाएंगे, घर जाएंगे, पूरा दिन यही सोचते रहेंगे कि बेफालतू गया यार, पूरा दिन बैठा रहेगा, सांसद और विधायक नहीं आए, क्योंकि काम भी मुझे जरूरत है, झूठा तो नहीं रखी है, जनता अध्यक्ष हूँ,
मेरा लेवल, मेरा दायरा ब्लॉक कर, मैं पहुंच जाऊंगी कलेक्टर के पास जाऊंगी, कलेक्टर के पास जो गया करे सुन लिए, सुन लिए, अगर नहीं सुने तो नहीं होगा। आप ये जानते हैं, मानते हैं ना मेरी सरकार है ना, क्योंकि आज देखिए मैं जनपद अध्यक्ष हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं पार्टी से भी जुड़ी हुई हूँ, कोई छुपी बात नहीं है। तो आप तो सरकार भी नहीं है। अभी अब भाई हमारे संतोष भाई ने बोला वक्त है बदलाव का और वक्त है बदलने का। भाई सही कह रहे हो, जनता ने बदला था लेकिन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके फिर से बदल दिया गया। और आप देखिए अभी तक कोरोना, जो कोरोना जब चुनाव था, कोरोना से जिस चीज के लिए कहा जा रहा था कि 50 लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, 100 लोग शादियों में शामिल नहीं हो पाएंगे, और अब देखिए जब तक चुनाव थे पूरे पंडाल भरे हुए थे, तब कोई कोरोना नहीं था। आज जब एकाएक चुनाव खत्म हो गए, सरकारें बन गई, फिर तो भी सरकार गई, तो क्या हो गया, इससे कोरोना आ गया। ये कोरोना बढ़िया बहाना है काम को टालने का। अब आपके शादी ब्याह बच्चियों की करेंगे और आपके कोई भी आयोजन होंगे तो आप अफसोस सोच के करेंगे कि मेरे पास आदमी ज्यादा तो नहीं होंगे, मैं अनुमति क्या ना था, क्या करें, मेरे पास ज्यादा आ न जाए, ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनकी तो सरकार है, उनको तो नियम बनाने हैं, वो चाहे जो करे। इतनी से जूझ रहा था हमारा देश, हमारा क्षेत्र, और इनको अपने चुनाव की पड़ी। मैं मानती हूँ आप उधर हमारा देश कोरोना से जूझ रहा था और हम क्या करने, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे थे, सरकार गिरा रहे। अरे आप 5 साल इंतजार नहीं कर सकते थे? अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो आप जनता तो इसके लिए सड़कों पर ही रहना बदलने के लिए आप इंतजार करते, उन्हें देखते, एक बार मौका तो देते काम करने का, कि कैसा काम करते, एक मौका तो मिलना चाहिए था ना। लेकिन इसने भी क्या किया गया आप सब जानते हैं, देखे हैं इसने क्या हुआ है पता है, किसी और का नुकसान नहीं है, ये आपका नुकसान हुआ है। जो गरीब मजदूर उनका नुकसान हुआ है, जो विकास कार्य के उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि पूरे काम जनपद स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक पूरे काम ठप पड़े, क्योंकि इसमें उलझ गए आदमी, काम क्या करेगा, चुनाव सरकार बनाओ, सरकार गिराओ और फिर आप मंत्रिमंडल में बैठक करो, फिर उसको मंत्री बनाओ, फिर उसको मंत्री बनाओ, ये करो, आपका विकास कहां, किसके पास जाओगे आप बताएं, क्या करेंगे। अब इंतजार करिए कि कौन हो, आपको जो बना लिए सरकार, अब इंतजार करें हम जब ये इनके मंत्रिमंडल हो जाए तो ये विकास कार्य शुरू करें, ये रोना हो रहा है। और आप रखे तो कार्यक्रम, वो क्यों आए आप कार्यक्रम में, क्यों आए, सही कारण क्या है, क्योंकि आप जानते हो इसके दम पर हम विधायक बन रहे हैं और सांसद बन रहे हैं। आप सब जानते हैं एकमात्र नाम है नरेंद्र मोदी, आप सब समझदार है, आप समझिए, मैं मानती हूँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, गरीबों के लिए आवास दिया, प्रधानमंत्री आवास उन्होंने दिया, लेकिन हर एक काम वो सही नहीं है। जो आपके काम सांसद जी करेंगे, विधायक जी हर काम नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, क्या आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, आपने जिनको बनाया है, अगर वो नहीं सुनेंगे तो हर काम नरेंद्र मोदी से काम नहीं होगा, आप उनके पास जाओगे, आपको पंचायत का काम, आपको पंचायत का काम विकास नहीं हो रहा, पंचायत के सरपंच नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप जनप्रतिनिधि नहीं कर पाओगे, मैं आपके उन्हें बोलूंगी अगर वो नहीं सुने तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पंचायत भी स्वतंत्र है। इसके लिए मैं बहुत करूंगी, वो गलत काम कर रहे हैं तो मैं प्रशांत सिंह को बोल के साथ बैठवाऊंगी और उनके पास रिकवरी निकल जाएगी, लेकिन क्या उससे विकास हो रहा, नहीं होगा, उसमें आपका विकास नहीं हो रहा, उसमें आपका विकास रुक रहा। और मैं इतना कहूंगी
मैटर में है, सब कुछ इतने सुनेंगे नहीं। आदरणीय लक्ष्मी शंकर जी जब रहे होंगे जनपद अध्यक्ष, तब उनके पास पावर थी, अधिकार थे। लेकिन आज आज का जनपद अध्यक्ष ऐसा है कि अगर 5 साल न जाओ जनपद में तो एक भी काम नहीं रुकने वाला। आपका एक भी फाइल में जिस पे अनुमोदन नहीं होना है, आप बताइए क्या करेंगे? कौन सा कंट्रोलिंग पावर कर लेंगे? किसी में सिग्नेचर नहीं होना, एक भी अनुमोदन के लिए आपके पास फाइल नहीं आएगी, आप क्या करेंगे? क्यों सुनेगा कोई कर्मचारी आपको? उसे तो यही रहता है क्या बिगाड़ लेंगे, वो क्यों करेगा? हाँ, बस मैं इतना ही कर सकती हूँ कि भैया लिखा पढ़ी कर दिए, अगर कोई अधिकारी साथी सुन लिए कि हाँ इनका भी सुन लो, इनका भी काम किया जा सकता है, तो दया के पात्र है जनपद अध्यक्ष। मैं आपको बता दूं, दया अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी, बड़े प्रशासनिक अधिकारी को दया नहीं आई तो जनपद अध्यक्ष माने शून्य। ये जनपद सदस्य हमारे बैठे हैं, लक्ष्मी शंकर भी बैठे हैं, उन्हें सब पता है, देखते हैं। अगर आप मैं जो आप लोगों को लग रहा था हमारे सांसद महोदय थे, जब मेरा विवाद नहीं हुआ था, उन्होंने किया पैदा। इस बात के लिए मैंने भी मांग रखी थी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। ये क्षेत्र की समस्या चलो आगे चलो, मैं आता हूँ भाई, मुझे उनके पास जाने में भी 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं जाऊं बोलूं कि ना बोलूं, किस चीज से वो नाराज हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। युवा मित्र मंडल रहेगा तो डरने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपके साथ आपके साथ मैं बिल्कुल चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जब हमारे भाई लोग तैयार है तो फिर इसके लिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये आपका काम कोई पर्सनल काम नहीं है, ये क्षेत्र का काम। एक एक जो भी मांग है, कोई मांग गलत नहीं है, मैं आपकी पूरी मांगों का समर्थन करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सांसद जी और विधायक ऐसा इतने कौन सा ताजमहल बनवाना है भाई, ऐसा कुछ भी काम नहीं है कि कोई नया ताजमहल बनवाने के लिए बोला जा रहा है कि कहा दूसरा ताजमहल नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ भी काम नहीं है। बस छोटी छोटी समस्याएं हैं मेरी नजर में सांसद विधायक के लिए, जिस सांसद को डालेंगे विधायक को डालेंगे काम होंगे और पूरे काम होंगे, ऐसा इसमें कुछ भी काम नहीं है। उन्हें सिर्फ ऐसी जगह आप लोगों ने पहुंचाया है कि जहां पूरे काम विस्तार वहीं से होते हैं, पूरे विकास कार्य वहीं से होते हैं, वहीं से निर्धारित होते हैं, तो आपने वहां पहुंचाया है, आपको उनसे नाराज नहीं होना है, आपसे आपको उनसे लड़ना है कि आप इस बार नहीं आए तो आप इस बार आओ और सुनो मेरी समस्याएं। आपको हक मांगना होगा, अधिकार मांगना होगा, तब मिलेगा। ऐसे नहीं कि आप नाराज हो जाए, नाराज होने से आपको क्या हो, इससे आपके क्षेत्र का विकास रुकेगा, ऐसे नाराज नहीं होना। आपने बनाया है तो आपको लड़ना भी, आपको उनको लड़ के मांगना होगा और वो सुनेंगे क्यों नहीं, कितनी बार देखा करेंगे क्यों नहीं सुनेंगे, आप उनको आना भी तो आपके पास है, फिर से आएंगे आपके पास, तो आपको उनसे लड़के उनको फिर से बुलाइए और मांगे, क्योंकि जो भी मांगे हैं, मैं कोई झूठा आश्वासन है कि सुनवाई करवा दू, मेरे बस की बात नहीं, मैंने अभी बताया मेरे बस की बात नहीं है। और मैं मेरे बस में जो भी है, मैं छोटे मोटे कार्य जो भी है निरीक्षण कर सकती हूँ, पंचायत स्तर पर देख सकती हूँ, पंचायत स्तर पर जो भी काम नहीं हो रहे हैं, भाई सुन लो उसको क्यों नहीं कर रहे हो, इसमें जो भी हो रहा दुरुपयोग हो रहा उसको करो, ये मैं देख सकती हूँ, पंचायत स्तर मेरा लेवल। लेकिन अगर जो बड़े बड़े काम है जो भी है वो सिर्फ विधायक और सांसद से हो और उनके कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, वो सिर्फ एक अभी मैंने बताया एक खोज और एक लेटर से काम, ये काम है बहुत बड़ा काम नहीं है। और मैं ज्यादा क्या बोलूं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सभी काम हो और मैं इसमें आप सभी का आपके सहयोगी बनूं। मैं मुझे कोरोना की वजह से बहुत दिनों से आप सबसे मिल नहीं पाई थी, कोरोना एक ऐसी महामारी से हमारा देश, हमारा समाज, हमारा गाँव ऐसा जूझ रहा था कि दो
वक्त कैसे रखा था उस समय कि दो वक्त की गरीब परिवार दो वक्त की रोटियां नहीं खिला पाए क्योंकि काम छूट गए थे।